नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इसी YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड के बारे में। आपने देखा होगा कि अक्सर आप जब भी बैंक में कोई भी बच्चे का या फिर बूढ़े का किसी का भी अकाउंट खुलवाने जाते हो तो वहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये दो चीज़ें तो अनिवार्य तौर पर मांगी ही जाती हैं। पैन कार्ड की तो डिमांड करेंगे ही, तो यहाँ पर समस्या ये आती है कि बहुत से लोग पास पैन कार्ड नहीं होता है और उनके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि भाई पैन कार्ड आखिर मांगते ही क्यों है, चाहिए ही क्यों, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए तो हमारा आधार कार्ड ही काफ़ी है। तो यहाँ पर इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे पैन कार्ड से रिलेटेड आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले तो मैं आपके कुछ डाउट्स यहां पर क्लियर करना चाहता हूं पैन कार्ड से रिलेटेड। देखिए पैन कार्ड और बैंक का कोई भी लेना देना नहीं होता है, लेकिन बैंक की मजबूरी ही होती है पैन कार्ड लगाना, क्योंकि आरबीआई द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा उन्हें सीधा आदेश होता है कि भाई यहाँ पर आप किसी भी व्यक्ति का आप यहाँ पर बिना पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खोलेंगे। यहाँ पर उनकी मजबूरी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि पैन कार्ड क्यों जरूरी होता है। देखिए पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है ना। तो ये जो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, एक तरीके का आपका बैंक अकाउंट, जिस तरीके से मान लीजिए आपने स्टेट बैंक में जाके अकाउंट खुलवाया ना, तो उसी तरीके से ये आपका पैन कार्ड जो है वो एक तरीके का बैंक अकाउंट ही है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपका जो ओरिजिनल बैंक अकाउंट होता है उसमें आप पैसा रख सकते हो, लेकिन पैन कार्ड के अकाउंट में आप पैसा नहीं रख सकते। पैन कार्ड का उपयोग क्या होता है कि मान लीजिए आपके 10 अकाउंट है, 10 के 10 अकाउंटों की यहाँ पर ट्रांजैक्शन डिटेल आपके एक पैन कार्ड में रजिस्टर्ड रहेगी। फिर चाहे वो अकाउंट की डिटेल हो या फिर किसी भी फाइनेंशियल एप्स की डिटेल हो या फिर किसी भी तरह के आपके बिजनेस की डिटेल हो, सभी तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन लेन देन की डिटेल आपका पैन कार्ड सेव रखता है। अब पैन कार्ड करता क्या है, देखिए मैं सबसे पहले तो आपको एक और चीज बता दूं कि पैन कार्ड कोई प्राइवेट कंपनी नहीं, जिस तरीके बैंक प्राइवेट हो उस तरीके से पैन कार्ड कोई प्राइवेट चीज नहीं है। गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक आईडी है, ठीक है ना। इस आईडी में आपकी सभी तरीके की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड सेव रहते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या करती है कि भारतीय नागरिकों की यहाँ पर आय की गणना उनकी पैन कार्ड के ट्रांजैक्शन से करती है। यहाँ पर कैश लेन देन जितना भी हुआ हो तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसी चीज से यहाँ पर आइडिया निकालती है कि भाई आप इतना सालाना कमाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको क्लियर बता दूं, पैन कार्ड का डेटा जो होता है, पैन कार्ड के जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आपकी निजी ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट को फुल अधिकार होता है कि आपके जो पैन कार्ड में रिकॉर्ड सेव हैं यहाँ पर ट्रांजैक्शंस के, उन्हें गवर्नमेंट देख सके, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अनसिक्योर होता है, कोई भी बंदा देख सके, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स विभाग के ही लोग यहाँ पर पैन कार्ड के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। अब रिकॉर्ड इनकम टैक्स वाले क्यों करते हैं इसे भी समझिए। देखिए आपने देखा होगा कि आए दिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं छापेमारी करता रहता, तो उन्हें कैसे पता चलता है कि भाई इसके पास पैसा इतना है, इसके पास पैसा इतना है। दरअसल होता क्या है कि मान लीजिए आज साल भर में, मान लीजिए आपका कोई भी बैंक है, अब स्टेट बैंक में आपने एक साल में 10 या 20 या 30 लाख से ऊपर के ट्रांजैक्शंस किए और आपने ना तो आईटीआर फाइल किया और ना ही यहाँ पर किसी भी तरह का आपका इनकम सोर्स यहाँ पर आपने किसी को दिखाया, बस पैसा आया करोड़ों रुपए गया। तो ऐसे में बैंक वाले क्या करते हैं कि डायरेक्ट शिकायत करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि आपके आईडी प्रूफ, आधार कार्ड के थ्रू आपका पैन कार्ड खोजता है, फिर इसके बाद पैन नंबर के थ्रू आपके रिकॉर्ड्स चेक करता है। अगर उन्हें संदिग्ध लगते हैं आपके रिकॉर्ड पैन कार्ड में कि भाई आप तो अनाधुन यहां पर ट्रांजैक्शन किए जा रहे हैं, आपके पैसा कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, कोई सोर्स नहीं है, तो यहां पर सीधी सी बात है कि इनकम टैक्स अलर्ट हो जाता है और आपके घर पे छापामारी कर देता है, ठीक है ना। तो यहां पर एक काम होता है पैन कार्ड का मुख्य तौर पर। दोस्तों आपने देखा होगा कि इसीलिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से अनिवार्य तौर पर लिंक करवाया जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। अगर एक व्यक्ति का एक बार पैन कार्ड बन गया तो वो चाहकर भी दोबारा अपना पैन कार्ड नहीं बनवा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर अगर आप करेक्शन करवाने जाओगे ना पैन कार्ड, तो आपको कई ऐसे पापड़ बेलने होंगे, परेशान हो जाओगे कि भाई पैन कार्ड करेक्शन करवाना तो भाई आड़ी खीर है। तो यहां पर दोस्तों आप दुकान पर भी जाकर पता कर सकते हो, पैन कार्ड में अगर आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, ये सब चीजें सुधरवाना चाहते हो
तो आपको एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है, पता नहीं कौन कौन से नोडल अधिकारियों से एनेक्जर फॉर्म वगैरह भरवाने होते, आइडेंटिटी कार्ड लेने होते, तब जाकर आपका जो पैन कार्ड होता है वो उसमें करेक्शन होता है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट ने अनिवार्य किया है कि भाई अब तो आपको पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना ही होगा, नहीं तो हम यहाँ पर आपकी 1,000, 2,000, 3,000 पेनाल्टी रख देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको समझ आ चुका होगा कि पैन कार्ड है क्या और क्यों जरूरी है पैन कार्ड सभी भारतीय नागरिकों के लिए। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।